हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कैनकैन स्कर्ट, जिसको वेयर करते हैं हम लॉन्ग गाउन स्कर्ट लहंगे के साथ। जैसे कि आप ये गाउन देख रहे हो, उसकी कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके साथ वेयर की थी हमने कैनकैन स्कर्ट, जिसका कटिंग और स्टिचिंग का तरीका मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो यहाँ पर हम इसको सैंटोन फैब्रिक में से तैयार करेंगे और इसके अंदर की साइड यहाँ पर हमने इस तरीके कैनकैन लगाई है। डबल लेयर के साथ यहाँ पर हमने कैनकैन स्कर्ट तैयार की है। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये सैंटोन फैब्रिक लिया है, 5.5 मीटर सैंटोन फैब्रिक लिया है। हमारी जो मेन लेयर होंगी और लाइनिंग के लिए भी मैं इसको सैंटोन का ही यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास सैंटोन ज़्यादा नहीं है तो आप अंदर की साइड इसमें लाइनिंग के लिए कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हो। और इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है कैनकैन, 6 मीटर कैनकैन ली है। फैब्रिक को बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर हमें 2 फोल्ड करना है, जैसे पेपर को 2 फोल्ड किया है लेंथ वाइज। इसके बाद यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर अच्छे से रख लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से लेंगे 13.5 इंच लेते हुए कमर की गोलाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर से नीचे की साइड यहाँ पर हमें राउंड में निशान लगाना है। इसकी लेंथ यहाँ पर लेंगे 41 इंच, 41 इंच लेते हुए राउंड में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। बॉटम की जो लेंथ लेनी है 41 इंच लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये कम है तो बाकी के बचे हुए को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और सी कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हम फैब्रिक में सी कटिंग करेंगे, जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा होगा उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक कम था उसके लिए हमने कट कर लिया है, साइड से भी इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर जो जोड़ आए हैं इनको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक में से कट कर लिए हैं और हमारे फैब्रिक पर इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट आए हैं। इन जोड़ को यहाँ पर हम अटैच करेंगे स्टिच कर यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और सबसे पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारे 2 जोड़ आए हैं, दोनों को इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर भी इसी तरीके से पकड़ते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दोनों पर इस तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। एक पार्ट का जो हमारे यहाँ पर जोड़ था उसको भी सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट के यहाँ पर हमने इस पर भी सिलाई लगाकर तैयार कर ली है और खोलकर अच्छे से आयरन भी कर ली है। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे, दोनों की साइड को मिलाएंगे। यहाँ पर दोनों फैब्रिक की साइड्स को यहाँ पर मिलाना है और नीचे तक इसी तरीके से साइड की जो फिटिंग की सिलाई है उसको लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। नीचे तक इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जिस पर हम कैनकैन अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को विड्थ वाइज 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ है 39 इंच, 39 इंच इसकी लेंथ है, 41 इंच हमारी मेन फैब्रिक की लेंथ है। तो यहाँ पर हमने इसकी 2 इंच लेंथ कम लेंगे, तो यहाँ पर ली है 39 इंच। 4 फोल्ड करके रखने के बाद इसकी विड्थ है 17 इंच। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको 2 फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और कमर की फिटिंग का यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इसके बराबर यहाँ पर हमें लेना है, तो यहाँ पर हमने इसका निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को यहाँ पर तिरछा इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से तिरछा कट कर लिया है।
इसके बाद यहाँ पर हमारी एक लेयर तो ओपन है और एक फोल्ड है। फोल्ड लेयर को इस तरीके से कट कर लेंगे, जो हमारी फोल्डेड थी उसको भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे नीचे तक, तो यहाँ पर हमने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर कैन कैन के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 21 इंच पर। इस तरीके से यहाँ से लेंगे हम 21 इंच और इसी तरीके से आगे तक यहाँ पर हम इस पर 21 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 21 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पर 3 इंच का स्ट्रिक से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद ये मैंने कैन कैन ली है, 6 मीटर हमारी ये कैन कैन है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, किनारी वाली साइड हम नीचे रखेंगे और फोल्डेड साइड से हम इसको कट कर लेंगे और हमारे पूरी के दो पीस कट हो जाएंगे। 6 मीटर के 6 मीटर के दो पीस कट होंगे। इस तरीके से इसको सेंटर से फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे को दो पीस में कट कर लिया है। जो किनारी वाली साइड है इसको हम नीचे की साइड रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। बॉक्स प्लेट बनाते हुए यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले जो हमने 21 इंच का यहाँ पर मार्क किया था उस पर हम यहाँ पर इसको रखेंगे और सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 21 इंच की जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उस पर हमने यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाकर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो 3 इंच की ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उस पर कैन कैन अटैच करेंगे। तो बाकी की हमारी ये कैन कैन है इसको यहाँ पर लेंगे। एक पीस हमने पूरे में से दो पीस कट किए थे, सेंटर में से कट कर 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 एक को हमने अटैच कर लिया है, दूसरे को भी यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाएंगे, एक प्लेट हम दूसरी साइड डालेंगे और एक अपनी साइड, और इस तरीके से बहुत ही सिंपली यहाँ पर हमारी बॉक्स प्लेट बन जाएंगी। पूरे लाइनिंग के फैब्रिक पर इसी तरीके से बॉक्स प्लेट बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाएंगे, जैसे कि हम सलवार में प्लेटें डालते हैं इस तरीके की प्लेटें नहीं बनानी है। आप हमेशा याद रखें जब भी आप कैन कैन अटैच करें तो उसको बॉक्स प्लेटेड बनाते हुए ही इसको अटैच करना है, इससे इसका लुक काफी अच्छा आता है। तो यहाँ पर बॉक्स प्लेट पूरे पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर बनाकर तैयार कर ली है और जो लास्ट में इस तरीके से ओपन है दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पर पहले जैसे दोनों पॉइंट्स को मिलाकर स्टिच कर लें और उसके बाद भी यहाँ पर बॉक्स प्लेटेड बनाकर अटैच कर सकते हो, पर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सिंपल भी है कि आप पहले बॉक्स प्लेटेड बना लें उसके बाद दोनों पॉइंट्स को पकड़कर इस तरीके से इस पर सिलाई लगाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। कैन कैन हमने अटैच कर ली है, अब हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के अंदर की साइड लाइनिंग के फैब्रिक को डालेंगे और दोनों की फिटिंग की सिलाई को मिलाएंगे। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर हम इसकी फिटिंग की सिलाई को मिलाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से यहाँ पर हमें पकड़ते हुए इसको मिलाना है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे, तो बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ ली है 4 इंच, 4 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ ली है 25 इंच की। दो स्ट्रिप कट कर दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। दोनों साइड यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगाकर इसको तैयार किया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे।
अंदर की साइड यहाँ पर हमें पकड़ना है। पहले हमारी स्ट्रिप है, उसके बाद लाइनिंग है और उसके बाद मेन फैब्रिक है। तो ये हमारा मेन हो गया, लाइनिंग होगी और ये हो गया हमारा स्ट्रिप। उस तरीके से यहाँ पर रखते हुए गोल सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। राउंड में यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसके स्ट्रिप को अटैच करना है। तीनों को उस तरीके से पकड़ेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर लास्टिक अटैच करेंगे। तो लास्टिक के दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लास्टिक की विड्थ लेनी है कि कितनी विड्थ की आपको इलास्टिक लेनी है। जितना भी आपका मेजरमेंट हो उससे 5 इंच आपको कम लेना है। कमर की फिटिंग जितनी भी हो उसमें 5 इंच आपको कम लेनी है। कम लेने के बाद उसको दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर आप स्टिच कर लें और उसके बाद यहाँ पर सीखे से रखना है फैब्रिक से कवर करते हुए। 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और लास्टिक को कवर करते हुए सिलाई लगाकर बेल्ट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। मेन फैब्रिक को नीचे की साइड से यहाँ पर पीको करके तैयार किया है। आप यहाँ पर इसको बारीक फोल्ड भी कर सकते हो। इस तरीके से हमारी कैनकेन स्कर्ट तैयार है। आप इसको वेयर कर सकते हो गाउन स्कर्ट लहंगे के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरीके से तैयार करें कैनकेन स्कर्ट घर पर बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।